जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला जो है वो जेड एन ओ होता है, मोलर मास जो होता है वो 81.338 पर मोल होता है। प्रिपरेशन मतलब इसका इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम बनाएंगे कैसे लेबोरेटरीज में, तो ये होता है ऐसे प्रिपेयर होता है रिएक्शन के द्वारा, व्हेन जिंक नाइट्रेट, जब जिंक नाइट्रेट क्या करता है, आर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, देन फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड, तब क्या होता है जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है एंड सोडियम नाइट्रेट इन फर्स्ट स्टेप, और सोडियम नाइट्रेट फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे जिंक नाइट्रेट आर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, एंड प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो आफ्टर दैट व्हेन जिंक ऑक्साइड आर प्रिपेयर्ड देन हीटेड विद मीडियम टेम्परेचर, क्या कह रहा है, जब जिंक ऑक्साइड क्या हो जाए फर्स्ट स्टेप में बन जाए, तो उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं विथ ए मीडियम टेम्परेचर, एक मीडियम टेम्परेचर में वो जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद एंड देन डीकम्पोज इंटू जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, और फिर क्या होता है, वो जिंक ऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड जब बन जाता है तो उसे हम मीडियम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसे हम डिकम्पोज करने पे छोड़ देते हैं, और फिर क्या होता है, वो जिंक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। अब रिएक्शन देख लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड हीटेड एंड देन जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ऐसे ही जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन जैसे नमक होता है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल होता है, पाउडर नेचर का होता है। इट इज़ इनसॉल्वल इन वाटर बट सॉल्वल इन डायलूट एसिड एंड बेस, ये वाटर में तो अघुलनशील होते हैं लेकिन क्या होता है, डायलूट एसिड और बेस में घुलनशील होते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सट्रीमली हाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये उबलेगा, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1975 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी हाई है, तो इस पे ये मेल्ट करता है। एंड इट वैसे भी सॉलिड जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होता है। एंड इट इज़ हैविंग मेटैलिक टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा होता है, मेटैलिक टेस्ट जैसा होता है। एंड इट हैव नो ऑर्डर और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, मतलब इसका तो कोई ऑर्डर नहीं होता है या गंधहीन होता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, यूज की भाई बात करें तो यूज तो इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्या है, नंबर एक बात है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर स्किन इरिटेशन सच एज ए बर्न कट एंड रैशेस, इसका यूज क्या होता है, स्किन के डिसऑर्डर में जैसे कोई इरिटेशन होता है या जलन होती है या कहीं कट गया है या कहीं लाल चकत्ते पड़ गए वहाँ यूज होता है। इट इज़ आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट से भी इसका प्रोटेक्शन करता है, मतलब कहीं सनलाइट से जिसको एलर्जी हो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ यूज एज ए एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल एज ए यूज होता है, ठीक है।